वेलकम बैक बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी, सॉरी टीसी एंड एमसी। ठीक है, तो सबसे पहले इनके रिलेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टीसी का शेप कैसा होता है और टीवीसी का शेप कर्व का शेप किस तरह से होता है और टीएफसी का किस तरह से होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, बट इतना डिटेल में नहीं है। और आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो बनवानी है या फिर आपको कोई भी टॉपिक इसके अलावा पढ़ना है 11th 12th में कॉमर्स में, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो आज हम ये कॉस्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, थ्योरी पार्ट। ठीक, न्यूमेरिकल मैं सारे चैप्टर के एक ही साथ में मैं प्रोवाइड करूंगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये इस वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर, वैसे तो ये टॉपिक कम्प्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टीसी और एंड एमसी, तो एमसी और टीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स कि टीसी का शेप अगर इस तरह से है तो वो क्यों है, और टीवीसी का शेप इस तरह से तो वो क्यों है, और टीएफसी ये कांस्टेंट क्यों है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, टीवीसी टोटल कॉस्ट, टीसी को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, जो कि हमारी ज़ीरो से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन टीवीसी का ओरिजिन ज़ीरो है। ठीक, तो टोटल कॉस्ट का जो शेप है वो इन्वर्टेड एस होता है। तो टोटल कॉस्ट का जो शेप होता है वो होता है इन्वर्टेड एस। ठीक है, एस शेप में होती है ये। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि टीवीसी तो ज़ीरो है हमारी, बट टोटल कॉस्ट क्यों नहीं ज़ीरो हो सकती? क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर कहीं ना कहीं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होता है, तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, अगर हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस हमने स्टार्ट करना है तो तब भी हमें कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ हमें कैपिटल चाहिए होती है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो जो स्टार्ट करने के लिए जो हमारा कैपिटल होता है उसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स्ड, जो मतलब जो खर्चा आता है बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो वो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हमारी टीसी भी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती है, बट टीवीसी ऐसा नहीं है, टीवीसी ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, और ये ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें कोई भी एक वेरिएबल ऐड करना, कोई भी एक फैक्टर हमें ऐड करना है, ठीक है, अगर हमें एडिशनल या फिर हमें 10 लेबर हैं तो हमें एक और चाहिए, ठीक है, तो उसको एम्प्लॉय करने के लिए हमें वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, एक वेरिएबल को अगर हमने हायर किया, यानी कि एक लेबर को हमने हायर किया है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? तो ये ज़ीरो भी होती, ज़ीरो ही होती है, ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि इसका जो ओरिजिन होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक, और टीसी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो इन्वर्टेड शेप ही रहता, इन्वर्टेड एस शेप होता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि पैरेलल होती हैं एक दूसरे के ये। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों पैरेलल होती हैं? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो टोटल कॉस्ट आता है, समझ आया? तो इसलिए ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब हम इसको थोड़ा टैबलेट फॉर्म में हम पढ़ दें तो हमारे समझ आ जाएगा कि क्या हमने पढ़ा है। तो देखो, टीएफसी जो होता है हमारा फिक्स्ड रहता है, अगर हमने 10 रुपये खर्च कर रहे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने तो 10 ही होगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट रहता है हमारा, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है, इसका जो शेप है, जो कर्व है, वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक, समझ आई? और टीसी जो होता है टोटल कॉस्ट, ये देखो, ये हमारा 10 है, 0 नहीं है,
लेकिन टीवीसी हमारा ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में हमारा टीएफसी भी ऐड होता है, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब अगर 10 यूनिट, अगर हमने हमारी टोटल कॉस्ट 20 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10 होगा। ठीक, और अगर टोटल कॉस्ट हमारी 20 हो गई, दो आउटपुट हमारा बढ़ गया, टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ गई 28 हो गई, तो जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 18 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा क्यों? देखो ये 28 है, ये 18 है, हमने 28 माइनस 18 करा तो हमारे पास आया TFC। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पे ये 20 था, यहाँ पे ये 10 हुआ, माइनस करा तो ये आ गया 10, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 30 था, माइनस करा ये आया 10। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जो इनका डिफरेंस आ रहा है बीच में, ये टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। समझ आई? तो ये है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीसी और टीएफसी का। तो ये जब भी हमारी, ये देखिए यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी डिक्रीज होके 10 थी, फिर 18 हुई, ठीक है, तो ये हमारी बढ़ती जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टीसी भी हमारी बढ़ रही है, टीवीसी भी हमारी बढ़ रही है, और हमारी एमसी भी, हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये सब इंक्रीज क्यों होती है हमारी कॉस्ट? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था कि जब भी हम एडिशनल यूनिट, जब भी हम एक भी एक फैक्टर का, जब भी हम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज़ करेगी एट अ इंक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट हो जाएगी और एक टाइम पे जाके वो फॉल हो जाती है। ठीक है, नाउ तो अब ये सब हो गया हमारा, जो हमारा मेन चीज़ था वो था टोटल कॉस्ट और एमसी के बीच का रिलेशनशिप। तो अभी हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी 10 है एट 0 आउटपुट लेवल, फिर 20 आउटपुट लेवल पे, 1 आउटपुट लेवल पे ये 20 है, 2 पे 28 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते 55 हो गई। ठीक है, एमसी हमारा कुछ नहीं है, 0 है, और एमसी हमारा जब 20, जब टीसी हमारा 20 है तो एमसी हमारा 10 हो गया एट 1 आउटपुट लेवल। ठीक है, फिर एमसी हमारा 8 हुआ, 28 हो गया हमारा टीसी एट 2 आउटपुट लेवल। तो ये जो एमसी है वो घटा फिर बढ़ा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। तो एमसी हम किस तरह से निकालते हैं, क्या फार्मूला है हमारा एमसी निकालने का? TCN - TCN - 1। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमें ये यहाँ पे पता चला कि एमसी इज़ द एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट। सबसे पहला रिलेशन क्या है? एमसी इज़ द एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक, सेकंड रिलेशन, सेकेंड रिलेशन देखिए, व्हेन टीसी इंक्रीजेस, टीसी इज़ इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, टीसी यहाँ पे इंक्रीज़ तो कर रहा है बट यहाँ आके फॉल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये अब इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे जो टीसी हम बोलेंगे कि टीसी इज़ इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। किस रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है? डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है। और एमसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डिक्लाइन होता जा रहा है, यहाँ पे ये इसका मिनिमम पॉइंट आ गया एमसी का, और फिर यहाँ से जाके ये राइज कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या था? एमसी इज एडिशन ऑफ टीसी। सेकंड रिलेशनशिप क्या है? व्हेन टीसी इंक्रीजेस, टीसी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट,
MC starts declining, ठीक है, जब TC rise करेगा diminishing rate पे तो MC decline हो जाएगा. थर्ड है हमारे पास इसका कि when TC stops, यहाँ पे TC ने rise करना बंद कर दिया, when TC stops यहाँ पे ये रुक गया, ठीक है, तो यहाँ इसका ये minimum point है. when TC stops rising, when TC stops या फिर constant हो जाता है तो MC हमारा क्या होता है, is at minimum point. And the fourth one is when TC starts at increasing rate, MC also rises, ठीक है, when TC starts when TC increases at increasing rate, MC rises. ओके, सो हमने इसको टेबुलर फॉर्म से भी पढ़ा, हमने इसको ग्राफिकल फॉर्म से भी पढ़ा. तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज़, और मेरे सारे वीडियोस को आप चेकआउट कर लीजिए. जो भी आपको काम गया तो प्लीज़ उसे आप पढ़ लीजिए. और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया या फिर कुछ भी नया टॉपिक आपको पढ़ना है या फिर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट्स हैं, तो वो आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. और हाँ, मैं जल्द ही आपको इस माइक्रो इकोनॉमिक्स से सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर देना ना कि किस वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया, वैसे तो आई विल इन्फॉर्म यू. और इसकी प्रीवियस वीडियो भी है, रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, तो उसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, मैं लिंक ऊपर दे दूँगी आई बटन में. प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और तब तक के लिए बाय. हाँ, न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.